Okay. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। किसी बच्चे को प्रीवियस टॉपिक में कोई डाउट हो, को पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कोई भी बच्चा एक रेजन कर ले जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ विग्नेश, माइक ऑन करो। विग्नेश माइक ऑन करो। अच्छा, परमिशन देना पड़ेगा क्या? आप माइक ऑन कर सकते हो, मैंने परमिशन दे दिया है। यस सर। हाँ बच्चे, लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था हमारा? एप्लीकेशंस पढ़ा एप्लीकेशंस पढ़ा दिए थे कि सिर्फ डेरिवेशन बताया था? डेरिवेशन डेरिवेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखते हैं सबसे पहले। दो एप्लीकेशन मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ and passing through one of its end, okay? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये हमें ऑलरेडी एम एल स्क्वायर बाय थ्री पता है, बट मुझे ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस से निकालना है। तो ICM अगर मुझे पता हो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? एल बाय टू होगा। यस सर, करेक्ट। तो यस सर, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई एक्सिस विल बी ICM प्लस एम डी स्क्वायर। यस सर। डी की वैल्यू एल बाय टू होगी। Yes, sir. आई एक्सेस कितना होगा? ICM प्लस एम एल बाय टू का होल स्क्वायर। यस सर। एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाय फोर। फोर एम एल स्क्वायर वन प्लस थ्री बाय ट्वेल्व तो आ गया फोर एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, दैट इज एम एल स्क्वायर बाय थ्री। यस सर। आई क्या बात समझ गए? यस सर। ओके, ऐसे ही विग्नेश। यस सर। फाइंड moment of inertia of a uniform ring of mass m and radius r about an axis tangential to it and lying in its plane and lying perpendicular to its plane. ये दो पूछा है, as in lying in its plane तो ये हो गया। Yes, और perpendicular to its plane ये वाली हो गई। Okay. Yes. अब ये निकालने के लिए पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज किया जा सकता है। कैसे? हमें पता है ये वाली एक्सिस का कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। Yes, sir. ICM अगर एम आर स्क्वायर होता है तो ये दोनों पैरेलल हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। तो आई टू डायरेक्टली आ जाएगा ICM प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर डी इज आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना आ गया? टू एम आर स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. और अगर ये एम आर स्क्वायर है तो डायगनल कितना होगा? हाफ एम आर स्क्वायर। बताया था मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज। यस, एनी डायगनल, ठीक है। तो अगर ये वाली एक्सिस जिसको मैं वर्टिकल मार्क कर रहा हूँ, ये भी सीएम से पास कर दिया, उसका हाफ एम आर स्क्वायर है आई अबाउट डायमीटर, ये हमने पहले कैलकुलेट किया था। तो इसके पैरेलल ये कितना आएगा? आई सी एम डैश प्लस एम आर स्क्वायर। तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना आ गया? 3/2 समझ में आई क्या बात? Yes, और एप्लीकेशन देखते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट का पूछा है अबाउट आई वन डैश एंड आई टू डैश, राइट? देखना। Yes, sir. अब रेक्टेंगुलर प्लेट का हमने आई वन के अबाउट इधर देखते जाना, ये आई वन डैश है। Yes. क्या मैं आई वन को लिख सकता हूँ आई वन डैश प्लस एम इंटू एल बाय टू का स्क्वायर, क्योंकि ये सेपरेशन एल बाय टू होगा ये वाला। यस राइट। और आई टू को क्या लिख सकता हूँ? आई टू डैश प्लस एम बी बाय टू का स्क्वायर, आई टू डैश प्लस ये बी बाय टू का स्क्वायर, करेक्ट? आई टू। यस राइट। यस, और आई वन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नहीं भी निकाला तो मैं आज और टेक्निक बता दूंगा। निकाला था मतलब हमने तो एम एल स्क्वायर बाय थ्री निकाला था हमने, कैसे? ऐसे एलिमेंट्स कंसिडर करके निकाला था। Yes, sir.
नहीं भी आ तो ये हम देखेंगे दोबारा आज, है ना। तो वहां पे अगर I1 और I2 हमें पता है, तो I1 I2 पता है, तो वहां से I1 पता है, तो I1 डैश निकल जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, और I2 पता है तो I2 डैश पर निकल जाएगा। समझ में आई बात? ये एप्लीकेशन अगर नहीं भी समझ में आना ये क्वेश्चन, तो डोंट वरी, हम दोबारा करेंगे आज के लेक्चर में करेंगे प्रॉपरली। आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि ये मैं आज के लेक्चर में कराने वाला हूँ और डिटेल में, ठीक है। ये मैंने मतलब पहले किसी एक बैच में कराया था तो वहां लिख दिया था आपके लिए। अभी आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। विग्नेश माइक ऑन करो। यस सर। कैन आई डिस्कस? अ पॉइंट मास MA इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट मास MB बाय अ मासलेस रॉड। ये पॉइंट मास है, ये रॉड मासलेस है, ये पॉइंट मास है, है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट टू एक्सिस BB एंड AA व्हिच इज पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू रॉड इज दिस। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है। ओके अब मैंने अगर इसको 0.0 लिया तो ये एल कॉमा जीरो हो जाएगा बी के कोऑर्डिनेट्स। आइए कितना होगा अबाउट एम बी इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एल डिस्टेंस पर है। आई बी कितना होगा एम ए इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि बी वाला तो उसी पर हो जाएगा राइट। तो आई बी बाय आई ए कितना आएगा, 3 दे रखा है ना। IB by A, MA, L square by MB, L square.
तो एम ए इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एम बी आ गया, यस करेक्ट। अब एक्स यू एम कितना होगा, एम ए इंटू जीरो प्लस एम बी इंटू एल डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी। एम बी को लिखा एम ए बाय थ्री इंटू एल अपॉन एम ए प्लस एम ए बाय थ्री, तो ऊपर आएगा एम ए एल बाय थ्री अपॉन फोर एम ए बाय थ्री। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल बाय फोर आ जाएगा। एल बाय, यस आई बात समझ में, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लास्ट वन और टू मिनट्स।
बच्चों अनम्यूट करने के लिए मैं पीछे गया था। वरुण कितना टाइम और चाहिए, माइक ऑन करके जल्दी रिप्लाई कर दो। आंसर एमएल स्क्वायर बाय 12 है। लास्ट वन मिनट, एग्जैक्ट वन मिनट दूंगा। ओके विग्नेश माइक ऑन करो, डिस्कस करें बच्चे। यस ओके, दो रॉड्स दे रखे, रॉड वन हमारी ये ग्रीन वाली है हॉरिजॉन्टल और रॉड टू ये है, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई लाइन पे निकालना है। yes, तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, या बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर का निकालना चाहता हूँ। तो अगर थर्ड एक्सिस पे निकालूंगा तो आई थ्री कितना होगा, आई वन प्लस आई टू, रॉड वन का होगा एम एल स्क्वायर बाय 12 क्योंकि सेंटर और परपेंडिकुलर है, रॉड टू का भी एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा। तो आई थ्री कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा। सर ये नहीं समझा, ये रॉड है, ये रॉड है, यस सर। सेंटर एंड परपेंडिकुलर कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा, राइट सर? नहीं समझा भाई, बता तो था। रॉड के अगर क्या कहते हैं, सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो या तो ऐसे परपेंडिकुलर हो या डॉट इनसाइड द सर्कल, वो भी तो परपेंडिकुलर ही है। एलिमेंट लोगे यहाँ से तो एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा। यस हाँ, तो दोनों के लिए एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। यस सर, एम एल स्क्वायर बाय 12 और एम एल स्क्वायर बाय 12, करेक्ट? यस सर। तो दोनों के लिए एम एल स्क्वायर बाय 12 आ गया, तो आई थ्री कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12, तो एम एल स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा, करेक्ट? यस सर। ओके, एम एल स्क्वायर बाय 6 आ गया। अब x इक्वल टू y लाइन की बात कर रहे हैं, ये x इक्वल टू y लाइन है। यस सर। अगर मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करना है तो एक और एक्सिस लेनी पड़ेगी, एक्सिस ले लेता हूं दूसरी, x इक्वल टू माइनस वाई, राइट? अब ये जो एक्सिस 5 है और ये एक्सिस 4 है, ये आइडेंटिकल ही है रॉड के रिस्पेक्ट में, यस राइट? अगर आइडेंटिकल है yes. तो पहली चीज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई4 प्लस आई5 आई3 के इक्वल है, दूसरी चीज आई4 आई5 इक्वल है बाय सिमेट्री। Yes. तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे 2i4 equals to 2i5 equals to i3 लिख सकते हैं, ओके? Yes. i4 i5 equals to i3 by 2, that is half of ml square by 6, ml square by 12 आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, चलो अब मैं जो बोल रहा था ना, आज मैं आपको बता दूंगा दोबारा, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। किसी को कोई डाउट है यहां तक? ओके फाइन। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, आपको क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट दे रखा है जिसका मास m दे रखा है एंड लेंथ l दे रखी है, और बहुत सारी एक्सेस है, मास m एंड लेंथ l,
एक्सेस कौन कौन सी है? एक्सेस वन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कॉर्नर से पास हो रही है. एक्सेस टू है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड सेंटर ऑफ अ साइड से पास कर रही है. एक्सेस थ्री क्या है? एक कोई भी साइड लेंथ से पास कर रही है. एक्सेस फोर क्या है? दो साइड्स के सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के अंदर है. एक्सेस फाइव क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड किसी भी एक साइड के सेंटर से पास कर रही है. एक्सेस सिक्स स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एक्सेस सेवन डायगनल है. एक्सेस एट दो साइड्स के सेंटर से पास कर रही है पर इनसाइड द प्लेन है. एक्सेस नाइन किसी भी एक साइड से पास कर रही है और एक्सेस टेन दूसरी वाली डायगनल है. ओके यस, तो इनका निकालना है. अब देखना इसको मैं आज पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन सबको और इवेंचुअली मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको याद रखने के लिए. तो बेसिकली हम छह या सात वो याद रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे हर ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं इवेंचुअली. वो समराइज कर दूंगा तो देखते जाना. अ स्क्वायर प्लेट कैन बी ट्रीटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रॉड्स ऑफ लेंथ एल एंड देयर थिकनेस शुड ऑल्सो सम अप टू लेंथ एल. बेसिकली एक रॉड लिया जिसका लेंथ एल है, ऐसे रॉड्स ऐड करते जाओ. कब तक ऐड करते जाओ? जब तक कि उनका थिकनेस मिला के लेंथ एल ना बन जाए और रॉड की खुद की लेंथ भी एल होनी चाहिए. तो ये स्क्वायर प्लेट बन जाएगा. ओके अब ये स्क्वायर प्लेट बन गया तो सबसे पहले हम आई थ्री या आई नाइन की बात करते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आई थ्री फर्स्ट. ये आई थ्री है, इसके अबाउट निकालना. आई थ्री के अबाउट निकालने के लिए मैंने क्या कहा, इसको अपन है ना बहुत सारी रॉड्स में ब्रेक कर सकते हैं. तो मैंने रॉड वन, रॉड टू, रॉड थ्री, रॉड फोर, रॉड फाइव, रॉड सिक्स, रॉड सेवन, रॉड एट, ऐसे एन रॉड्स में ब्रेक कर दिया. तो स्क्वायर इज इक्वल टू एन हॉरिजॉन्टल रॉड्स लिख सकता हूं. यस सर, राइट. स्क्वायर एन हॉरिजॉन्टल रॉड्स के इक्वल है. और वहां पे हमें क्या दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल रॉड है उनके लिए ये एक्सिस क्या है? दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एनी रॉड एंड इज पासिंग थ्रू इट्स एंड. यस सर, अगर मैं एक रॉड पकड़ू ये वाली तो उसके लिए तो एंड से पास कर दिए, करेक्ट? यस यस सर. मास ऑफ वन रॉड कितना होगा? एन रॉड्स में ब्रेक किया तो एम बाय एन. यस सर. और आई कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाय थ्री होता है रॉड के एंड से जब पास होता है. तो एक रॉड के लिए कितना होगा मास ऑफ वन रॉड इनटू एल स्क्वायर बाय थ्री, दैट इज एम बाय एन एल स्क्वायर बाय थ्री. यस सर. नेट कितना होगा? एन रॉड्स है, हर रॉड का एम बाय एन एल स्क्वायर बाय थ्री है, तो एन का कितना होगा? एन इंटू आई ऑफ वन रॉड. यस सर. तो आई थ्री कितना है? एन इंटू एम बाय एन एल स्क्वायर बाय थ्री. तो एम एल स्क्वायर बाय थ्री आ गया. यस सर, आई थ्री के लिए. अब यही अगर मेरा आई नाइन होता तो रॉड्स में पता है कैसे ब्रेक करता? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसे. समझ में आ रही है क्या बात? यस सर. तो हम कैसे ब्रेक करते हैं? एन वर्टिकल रॉड्स में. एन वर्टिकल रॉड्स में करते तो वापस वही आ जाता है आइडेंटिकल एम एल स्क्वायर बाय थ्री. यस सर, राइट. इसको एंड में आज मैं समराइज करूंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है. ये तो मैं डेराइव कर रहा हूँ सब. सिमिलरली आईफोन निकालते हैं हम, एक एक करके निकालेंगे सारी एक्सेस का. जब ये आईफोर देखूंगा तो ये आईफोर है, एक्सेस फोर है. इसके लिए रॉड्स एक दो तीन चार, ऐसे एन रॉड्स. मास ऑफ वन रॉड क्या होगा? एम बाय एन. और आई ऑफ वन रॉड क्या होगा? सेंटर से पास कर रहा है तो मास ऑफ वन रॉड इंटू एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व होता है क्योंकि, राइट? Yes, sir. तो आई फोर क्या होगा? आई नेट के इक्वल होगा एन टाइम्स ऑफ आई ऑफ वन रॉड, तो एन टाइम्स ऑफ एम बाय एन एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, तो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व आ गया. यस सर, समझा? सिमिलरली आई एट निकालते हैं, फिर आई टू आई फाइव बाद में निकालेंगे. तो आई एट में भी ये हो गया. तो रॉड्स कैसे होंगी? एक दो तीन चार पांच छह, ऐसी आएंगी. यस सर. तो हम I8 को क्या लिख सकते हैं? I4 के इक्वल लिख सकते हैं ML square by 12, सेम वे में. यस
यस सर, है ना? तो बेसिकली ये भी कह सकते हो एक्सेस 4 एंड एक्सेस 8 आर आइडेंटिकल, तो डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है. यस सर. ओके, अब इसमें हमें आई टू एंड आई फाइव भी निकालना है. आई टू आई फाइव क्या, ये आई टू है और ये आपका आई फाइव है. तो सबसे पहले आई टू की बात करते हैं. आई टू निकालने के लिए मुझे आई एट पता है बच्चे, अभी निकाला एम एल स्क्वायर बाय 12, है ना? Yes, फिर आई थ्री भी पता है मुझे, थोड़ी देर पहले निकाला एम एल स्क्वायर बाय 3. करेक्ट. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ यहाँ पे. तो आई टू कितना आ जाएगा, आई थ्री प्लस आई एट आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल स्क्वायर कॉमन, 4 प्लस 1 बाय 12, 5 एम एल स्क्वायर बाय 12 आ गया. यस सर, करेक्ट. अब आई टू और आई फाइव तो मुझे आइडेंटिकली दिख रहे हैं. कैसे? ये भी एक साइड के सेंटर से पास कर रहा है, ये भी एक साइड के सेंटर से पास कर रहा है, दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. यस, तो आई टू एंड आई फाइव भी इक्वल होंगे, राइट? क्योंकि स्क्वायर प्लेट है ना. यस सर, तो वहां से आई टू निकला तो आई फाइव भी आ जाएगा. ओके सर, है ना? अब आई सिक्स और आई वन की बात करते हैं. आई सिक्स एंड आई वन, तो सबसे पहले आई वन ये है, या चलो सबसे पहले आई सिक्स देख लेते हैं. आई सिक्स ये है, ये हमारा आई फोर था और ये हमारा आई एट था. तो आई एट और आई फोर और आई सिक्स में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है. आई सिक्स कैन बी रिटन एज आई फोर प्लस आई एट, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 कितना गया, एम एल स्क्वायर बाय 6 आ गया. यस सर, आई वन निकालने के लिए दो मेथड है. एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आई वन और आई सिक्स में क्या है, पैरेलल है और आई सिक्स सेंटर ऑफ मास से भी पास करता है. मुझे पता है हाइपोटेन्यूस एल रूट टू होगा स्क्वायर का, तो ये कितना होगा, एल बाय रूट टू, करेक्ट? यस सर, यस सर. सो आई वन और आई सिक्स में क्या रिलेशन होगा, आई वन इज आई सिक्स प्लस एम डी स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाय 6 प्लस एम एल बाय रूट टू का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर कॉमन, 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2, दैट इज 2 एम एल स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा. Yes, right? sir. इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई थ्री पता है, आई नाइन पता है, तो हम ऑल्टरनेट मेथड लिख सकते हैं. ऑल्टरनेट मेथड फॉर आई वन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो आई वन कितना आएगा, आई थ्री प्लस आई नाइन, एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3 कितना आ गया, 2 एम एल स्क्वायर बाय 3 आ गया. यस सर, क्लियर है? अब क्या बचा, आई सेवन और आई टेन बचा. आई सेवन आई टेन के लिए ये प्लेन और डायगनल है. सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एक्सिस 7 एंड 10 आर आइडेंटिकल एंड डायगनल्स ऑफ स्क्वायर जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलरली. यस, रेक्टेंगल की नहीं करती है, डायगनल की करती है, ये ध्यान रखना. हेंस यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ, I6 is equals to I7 plus I10. Yes, sir. एक सेकंड, गंदगी उस पे लगती है, क्या कर रही है? विग्नेश सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था. इट्स ओके सर. आई सिक्स इज आई सेवन प्लस आई टेन और आई सेवन आई टेन इक्वल होंगे. सो आई सिक्स इज ट्वाइस ऑफ आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई सेवन आई टेन के इक्वल, विच इज आई सिक्स बाय 2, दैट इज हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर बाय 6, एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा. अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं. मैं रॉड का हमें एज से पास होता हुआ एंड रॉड का सेंटर से पास होता हुआ हमें याद करना है. सेंटर से एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है और एज से पास होता हुआ क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है, करेक्ट?
यस तो अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक कहाँ काम आती है. शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली इट इज एप्लीकेबल फॉर एक्सेस इन द प्लेन ऑफ लैमिना. कहाँ पे एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ वहां पे जहां पे एक्सेस लैमिना के प्लेन में है. ठीक है, तो ये जो फिगर दे रखा है जो मैंने अभी आपको दिया था, इसमें एक्सेस वन, एक्सेस टू, एक्सेस सिक्स एंड एक्सेस फाइव, ये तो परपेंडिकुलर टू लैमिना है. यस सर. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेस इन द प्लेन ऑफ लैमिना, वो है थ्री फोर सेवन एट नाइन टेन, वन टू फाइव सिक्स नहीं है तो ठीक है. अब एक्सेस थ्री एंड नाइन आर लाइक एक्सेस पासिंग थ्रू एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, लेंथ ऑफ रॉड. बेसिकली जब मैं थर्ड एक्सेस देखूंगा तो उसके लिए ये स्क्वायर प्लेट एन नंबर ऑफ रॉड से बनाओ. ऐसा लग रहा है? Yes, ये रॉड दिख रही है आपको, और उसके लिए क्या है, एच से पास हो रही है. एच से पास हो रही है तो yes. क्या आ जाएगा, डायरेक्टली एम एल स्क्वायर बाय थ्री आ जाएगा, आई थ्री. यस सर. सेम वे में आई नाइन के लिए हमारा जो स्क्वायर प्लेट है वो ऐसा दिखेगा. डायरेक्टली कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय थ्री आ जाएगा, ये मैंने बता रखा है. थ्री के लिए ऐसा दिखेगा और नाइन के लिए ऐसा दिखेगा. तो जब भी प्लेन ऑफ लैमिना में होती है तो हम रॉड्स में ब्रेक कर सकते इस तरीके से कि है ना, एच से पास हो रही है तो अकॉर्डिंगली बना लो. सिमिलरली एक्सेस फोर एंड एट आर एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड. तो ये रॉड है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, आई फोर हो गया ऐसा. यहाँ पे आई एट है, इसके सेंटर से पास हो रहा है ऐसा, तो वो तो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व आ जाएगा. ठीक है, मैं इसको एक्चुअल फिगर में दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा. एक्चुअल फिगर में दिख रहा है आई फोर, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि यार रॉड ऐसा होता, थिकनेस कंसिडर नहीं करते तो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व आ जाता. Yes, रॉड अगर ऐसा होता, थिकनेस कंसिडर नहीं करते तो ये एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व आ जाता. यस सर. राइट. यस सर. है ना. यस सर. तो हम जो मैंने कहा वी ओनली लर्न फॉर मतलब वी ओनली लर्न आई रॉड फॉर एक्सेस परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. राइट. हेंस वी कैन फाइंड आई थ्री आई नाइन आई फोर एंड आई एट डायरेक्टली. ये डायरेक्टली निकल गए डायरेक्टली. यस. तो बाकी के बचे किससे निकलेंगे? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से. समझ में आती है क्या बात? तो आप स्क्वायर प्लेट लो या रेक्टेंगुलर प्लेट लो, उसको आप रॉड से बना सकते हो दिमाग लगा के. समझे बात? यस. अब ये शॉर्ट ट्रिक आपको रेक्टेंगुलर प्लेट में अप्लाई करनी है. ठीक है, आप आई सेवन और आई टेन को छोड़ के सारे निकाल दो फटाफट, दो से पांच मिनट के अंदर सारे आ जाएंगे. लेंथ और ब्रेथ दे रखा है आपको.
लास्ट वन मिनट. विग्नेश माइक ऑन करो. यस सर. जो एक्सेस प्लेन में लाए करती हैं 1, 2, 6 और 5 ये नहीं करती, इसके अलावा सारी करती हैं, राइट? तो सबसे पहले हमने फिगर आउट किया एक्सेस लाइंग इन प्लेन आर 3, 4, 7, 8, 9, 10. नाउ ये 3 के लिए तो क्या हो जाएगा, एच से पास कर रहा है और लेंथ कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी एमएल स्क्वायर बाय 3. यस सर. नहीं, एमबी स्क्वायर बाय 3. यस सर. ये इंपॉर्टेंट है. तो 3 के लिए कितना आ गया, एमबी स्क्वायर बाय 3. 9 के लिए ये है लेंथ कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल. तो एमएल स्क्वायर बाय 3 डायरेक्टली. यस राइट. यस सर. 4 के लिए सेंटर से पास करता है बट कौन सी लेंथ के, बी के. आई फोर कितना हो जाएगा, एमबी स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, एमबी स्क्वायर बाय 12. यस सर. 8 ये पास कर रहा है बट कौन सी लेंथ के, एल लेंथ के, राइट? यस सर. तो आई 8 कितना हो जाएगा, एमएल स्क्वायर बाय, एमएल स्क्वायर बाय 12. आई बात समझ में, 12. यस सर. एक्सिस 1 यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होगा, I1 will be I3 plus I9. कैसे? Yes, sir. ये है I3 और ये I9 है, तो I1 आ जाएगा. Yes. क्या रहा I1? MB square by 3 plus ML square by 3. Correct? Yes, sir. Axis 2. Axis 2 कहाँ पर है? ये है axis 2. तो I8 plus I3. Correct? तो I8 कितना है, ML square by 12 है, और I3 कितना है, MB square by 3 है, तो I2 आ जाएगा, MB square by 3 plus ML square by 12, correct? I6 देखेंगे, ये 6 है, तो I4 plus I8 will give you I6, yes sir, correct? तो I6 कितना आएगा, I4 plus I8, ML square by 12 plus MB square by 12. कितना आ गया बच्चे, yes. दो, वो आ गया, करेक्ट. I5 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, I5 के लिए मैंने एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये तो निकाला नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकता, बट दिमाग लगा सकता हूँ. I6 एंड I5 आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ क्योंकि I6 ICOM भी है, राइट? तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L बाय 2 होगा. Yes, I5 can be written as what? I6 plus MD square, which is L by 2 ka square. I6 aapka ML square by 12 plus MD square, yes, by 12 plus ML square by 4. So, in dono ko add karunga to kitna aega? ML, yes, square common 1 by 12 plus 3 by 12 plus MD, yes, square, sir, by 12. So, kitna aega? Accordingly aa jaega? Yes. ML square by 3 plus MD square by 12. क्लियर है? अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, I7 I8 क्यों नहीं, सॉरी I7 और I10 क्यों नहीं निकाला, ये डायगोनल्स है, यस और नो? यस सर. इंपॉर्टेंट चीज, जो डायगोनल्स होती है ना, वो डायगोनल्स परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट नहीं करती रेक्टेंगुलर प्लेट के, स्क्वायर में करती है, रेक्टेंगल में नहीं करती, रोम्बस और स्क्वायर में करती है, ओके?
तो अगर नहीं करती तो फिर क्या होगा? यस सर, यस सर। तो वो चीज मैंने लिख रखी है, एक्सेस 7 एंड एक्सेस 10 थ्योरम नहीं लगा सकते हम। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट एंड डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट डजंट इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, अगर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हेंस वी कांट अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो I6 I7 प्लस I10 नहीं होगा। yes, उसको निकालने के लिए क्या है, मैं एक डेरिवेशन समझा रहा हूँ और फिर अपन उसको अप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ I ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस लाइंग इन इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू एनी वन साइड। सो बेसिकली ये हमारा ट्रायंगल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या, एक साइड से पास कर रही है, उस साइड की लेंथ बी दे रखी है और हाइट एच दे रखा है। तो गिवन क्या क्या है, मास ऑफ ट्रायंगल एम है, हाइट एच है और बेस लेंथ बी है। ओके बी है। यस यस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा बच्चे, एम बाय ए, m upon mass upon half base into height। yes। तो 2m by bh आ जाएगा। yes sir, 2m bh। ये मेरी axis of rotation थी। तो मैंने basically क्या किया, यहाँ पे एक rectangular strip consider किया at a perpendicular distance y of thickness dy। अब अगर मुझे rectangular strip जो हमने consider किया है उसका thickness पता है dy, तो अगर मुझे उसका length मिल जाए, yes, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप मिल जाएगा, और एरिया ऑफ स्ट्रिप मिल गया तो मास ऑफ स्ट्रिप मिल जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, राइट। तो मेरा एजेंडा क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिप ST निकालना। अब लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल यूज किया, कौन कौन से ट्रायंगल, PST एंड PQR। ट्रायंगल PST, ये PSP एंड PQR बड़े वाला ट्रायंगल। तो वहां पे देखूंगा, छोटू ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच माइनस वाई अपॉन ST, h minus y upon st is equal to बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, that is h upon base, that is b। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, st की वैल्यू b into h minus y upon h। करेक्ट। तो यस सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या होगा, da होगा, that will be length of strip into thickness। लेंथ ऑफ स्ट्रिप अभी निकाला, b into h minus y upon h into thickness is dy, ये da हो जाएगा। तो मास ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा dm, मास पर नेट एरिया into area of strip। तो मास पर नेट एरिया 2m by bh into area of strip is b into h minus y upon h into dy, right? b से b कैंसिल हो जाएगा, 2m by h square into h minus y into dy, correct? Yes sir। Okay। यहां तक क्लियर है? एक मिनट देना बच्चे। तो आई कितना आएगा स्ट्रिप का, वाई स्क्वायर डीएम, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई था डीएम और मास डीएम था, तो वाई स्क्वायर डीएम की जगह डालूंगा 2m बाय h स्क्वायर h माइनस वाई इंटू डी वाई। ये स्ट्रिप का आ गया। नेट कितना आएगा, इंटीग्रेट करा दो, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर 2m बाय h स्क्वायर h माइनस वाई डी वाई, 2m by h square बाहर, integration of y square h minus y dy। तो इसको लिख सकते हैं integration h y square dy minus y cube dy। Yes। h बाहर, y square का y cube by 3, 0 to h, minus y cube का y raised to power 4 by 4, 0 to h, और बाहर 2m by h square चली रहा है, 2m by h square बाहर, यह आएगा h raised to power 4 by 3 minus h raised to power 4 by 4, right? तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, यस 2m by h square h to power 4 by 2m by h square into h 4। तो यहां पे i net कितना आ गया बच्चे, mh square by 6 आ गया, mh square by 6, जहां पे m क्या है, मास इसका, मास इसका,
एच क्या है? छोटा हाइट ऑफ ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल, हाइट स्मॉलर ट्रायंगल नहीं, टोटल ट्रायंगल का मास था, और एच क्या था? हाइट, ठीक है, टोटल ट्रायंगल हाइट, हाई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ मास एम एंड हाइट एच मास एम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू बेस, पासिंग थ्रू द बेस, using I of uniform yes. triangular plate about an axis passes through the base, we can find I rectangular plate about any diagonal. क्योंकि देखना, जब ये triangle sorry rectangle बनाया और axis of rotation आपका ये है diagonal, तो मुझे क्या दिख रहा है? ये triangle बन गया, और triangle के लिए क्या हो गया? About base हो गया, correct? Please reply. Yes, sir. Okay. तो उसके लिए मुझे क्या है? Perpendicular की length निकालनी पड़ेगी, क्योंकि perpendicular diagonal नहीं होता, तो perpendicular की length मैंने h लिख दिया, जो निकालना है, वो निकालने के लिए देखना मैं दिमाग लगा रहा हूँ कैसे. For calculation of h, हम areas निकाल लेते. Area of rectangle will be twice area of triangle PRS. क्यों? ये जो triangle है PRS, इसको twice कर दूंगा तो total rectangle बन जाएगा. Area of rectangle L into B. Yes, sir. Twice area of triangle is half. Base is PR. Height is H. PR की value कितनी होगी? Diagonal, diagonal की value होगी under root L square plus B square. Into H, half or two cancel होगा is equals to L into B. तो H कितना आ गया? L into B by under root L square plus B square आ गया. Correct? Yes, sir. तो triangle का कितना आएगा? Yes, sir. Triangle का आएगा? Mass of triangle h square by 6 अभी बड़ा है. Mass of triangle will be half of mass of rectangle, क्योंकि दो identical triangles बनते हैं. तो कितना है? M by 2. Yes, sir. है ना 1 by 6. Yes. और h की value कितनी? Lb upon under root l square plus b square का whole square, correct? Yes, sir. तो M by 12 l square b square by l square plus b square. ये ट्रायंगल का यस सर. तो रेक्टेंगल का कितना होगा? ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल है, तो ट्वाइस ऑफ m बाय 12 l स्क्वायर b स्क्वायर बाय l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहां से आंसर आ गया, आई रेक्टेंगल कितना आया? m बाय 6 m बाय 6 l स्क्वायर b स्क्वायर बाय l स्क्वायर b स्क्वायर बाय l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. समझा क्या? तो वो i 7 और i 10 जो हमने नहीं निकाला था वो निकल गया. Yes, sir. Right? किसी बच्चे yes, को कोई डाउट? तो हमने क्या देखा? हमने आज ये सीखा कि आप रॉड की हेल्प से प्लेट वगैरह इन सब का निकाल सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ. Yes. कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां से हम देखेंगे. आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो सब बच्चे.
प्रशांत आपका आंसर सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट वन मिनट, रिजेंट करो कौन करेगा डिस्कस। ओके विग्नेश माइक ऑन करो। यस सर, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है और फिर मैं आगे के क्वेश्चन सभी दूंगा तो वो सॉल्व करने। ओके सर, देखो हमें गिवन है सेमी सर्कुलर रिंग गिवन है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए। यस सर, है ना। तो मैं क्या करता हूं, यस सर, ये रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग, इसको कंप्लीट रिंग मान लेता हूं, ठीक है। अज्यूम यस सर इट to be complete ring, okay, complete ring assume करेंगे तो इसका mass of ring कितना हो जाएगा, twice of mass of semi ring, yes, right, कितना होगा 2m हो जाएगा, yes, axis a के अबाउट निकालना है, ठीक है। हमें पता है आईसी कितना होता है, मास ऑफ रिंग इनटू आर स्क्वायर होता है, टू एम यस इनटू आर स्क्वायर, करेक्ट। यस सर, तो आईए कितना होगा, आईसी प्लस मास ऑफ रिंग इनटू डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस सर, सो ये 2m r स्क्वायर प्लस 2m इनटू r स्क्वायर बिकॉज़ b इज इक्वल्स टू r, तो 4m r स्क्वायर आ गया। आइए ये किसके लिए आया, फॉर रिंग। सो i सेमी रिंग कितना होगा, डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ आई रिंग। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता ऑब्जेक्ट रिंग का आधा या ऐसा कुछ दे रखा है तो आप क्या करोगे, उसको रिंग बना के उसके अकॉर्डिंग निकालोगे, तो कितना आ गया, हाफ ऑफ 4 mr² यस सर, तो कितना आ गया 2 mr² आ गया, दैट इज द आंसर 2 mr² यस, क्लियर है।
स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप पे डाल देना। ले लिया क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व, नहीं सबसे पहले आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो एंड 12 सॉल्व करो। प्रशांत चेक करो टेंथ का आंसर, यार गलत है मेरे हिसाब से। टेंथ का बी इज करेक्ट।
लास्ट वन मिनट रिजाइन करो, कौन करेगा डिस्कस? सिद्धार्थ विग्नेश दोनों माइक ऑन कर लो। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हमें क्या दे रखा है? सेमी सर्कुलर डिस्क दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसको पूरा कंप्लीट डिस्क बना दूं। यस सर। कंप्लीट डिस्क का मास कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा, करेक्ट? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये कितना आएगा? आई विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर 2m into r square by 2, तो mr square आ जाएगा। yes sir, तो i semi कितना आ जाएगा? i by 2, yes sir, कितना आ गया? half mr square, mr square, yes sir, समझ में आई क्या बात? yes sir, okay, yes sir, next देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ स्क्वायर शीट ऑफ एज लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इज यूज्ड टू फॉर्म हॉलो सिलेंडर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट सेंट्रल एक्सिस इज, पहली चीज एरिया ऑफ शीट एल स्क्वायर होगा, दैट शुड बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हॉलो है तो जो शीट से क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा, तो 2πRh होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। बेसिकली ये जो शीट दिख रही है, इसमें हमने क्या किया, सुनना बात को, हमने क्या किया, हमने ऐसे फोल्ड कर दिया इसको, तो लेंथ तो वही रहेगा, लेंथ तो वही जो एच है वो लेंथ वही रहेगा, और जब फोल्ड किया तो ये जो चीज मैं फोल्ड कर रहा हूँ ये लेंथ कौन सी होगी, दिखाता हूँ बच्चों में, जब मैं फोल्ड करूंगा तो यही लेंथ है ना, फोल्ड होके ऐसे होगा, जब पेपर को फोल्ड करते हो आप तो जो पेपर का हॉरिजॉन्टल पार्ट है, बेसिकली ये जो पार्ट है ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिद्धार्थ, यस सर, तो आपको दिख रहा है ये सर्कल क्या होगा? सर्कमफेरेंस होगा, यस सर, यस सर, जो कि 2πr होगा
सर्कमफेरेंस और उसकी लेंथ एल हो जाएगी और हाइट की वैल्यू भी एच हो जाएगी, करेक्ट? एच इज इक्वल टू एल हो जाएगा। यस, स्क्वायर में आर क्या लिखा है? वो तो एल आएगा ना, ये एल ही लिखा है बच्चे, वो मेरी राइटिंग थोड़ी सी है, एल ही है ये। ओके यस सर, अब मुझे यहां से सर्कमफेरेंस की वैल्यू मिल गई 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। यस सर, तो मुझे आर मिल जाएगा, करेक्ट? वो अपन निकाल लेंगे। अब हमें पूछा गया है अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है? जब ऐसा दे रखा होता है हॉलो सिलेंडर, और ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है? सेंट्रल एक्सिस है। ओके, तो सेंट्रल एक्सिस है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कैन आई राइट दिस सिलेंडर एज कॉम्बिनेशन ऑफ एन रिंग्स? 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एक के ऊपर एक रखते जाऊंगा तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। यस सर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन रिंग्स इज इक्वल टू हॉलो सिलेंडर। तो आई विल बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आई ऑफ वन रिंग। एन टाइम्स ऑफ आई ऑफ वन रिंग कितना होगा? अबाउट सेंटर मास ऑफ वन रिंग इनटू आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग टू सेंटर। मास ऑफ वन रिंग होगा एन रिंग्स होगा एम बाय एन, सॉरी मास ऑफ वन रिंग होगा एम बाय एन इनटू आर स्क्वायर इनटू एन। एम आर स्क्वायर आ गया आई, बट क्वेश्चन में ना मुझे एम पता है ना आर पता है, तो दोनों निकाल सकते हैं। मास कैन बी रिटन एज मास पेनेट एरिया इनटू सिग्मा एरिया, तो सिग्मा एल स्क्वायर हो जाएगा मास, तो क्योंकि स्क्वायर शीट है तो स्क्वायर शीट का एरिया एल स्क्वायर होगा। मास की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है 2 पाई आर किसके इक्वल होता है? एल के इक्वल होता है। यस सर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? एल बाय 2 पाई हो जाएगी। यस सर, अगर आर मेरा एल बाय 2 पाई हो गया तो आई जो मैंने निकाला एम आर स्क्वायर कितना का, एम की जगह सिग्मा एल स्क्वायर एल बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एल रेज टू पावर 4 बाय 4 पाई स्क्वायर। आई क्या बात समझ में? कोई डाउट? ओके, यहां तक क्लियर है? यार ये मेरी बुकलेट में ना आंसर की गलत है, क्योंकि एस एच एम की आंसर की है, ये दिख रहा होगा आपको, तो आप परेशान मत होना, मैं देखता हूँ इसके आंसर की का क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये नोट्स मैं भेज देता हूँ अपडेटेड, ठीक है? और कल आपका डाउट लेक्चर होगा, क्या टाइमिंग होगा और क्या चीजें डिस्कस होंगी वो मैं अभी थोड़ी देर में डालता हूँ, ठीक है? चलो बच्चों, ओके दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है तो रेज हैंड कर सकता है, एल्स आई एम बाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ। Fine, I cannot see any hands, so that's it for today, guys.